अगली खबर वाराणसी से, जहां प्राइवेट अस्पताल में आग लगने की खबर मिली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अस्पताल परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। लंका थाना क्षेत्र के प्रज्ञा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें हैं हॉस्पिटल की जहां पर आग लगी है। देखिए आप किस तरीके से वहां पर स्पार्किंग हो रही है और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि अस्पताल में भर्ती मरीज बीमारदार सब में हड़कंप मच गया। सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है, आग पर काबू पाया गया अभी तक? हाँ, अभी तक जो अपडेट है वो पूरा मामला ये है कि अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है। जो स्थानीय पुलिस है और जो अस्पताल प्रशासन के जो कर्मी हैं, उन सब ने मिलकर आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी की जो बात करें, इससे थोड़ी देर पहले की अगर बात करें, तो अस्पताल में पूरी तरह से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। जिस तरह से एकाएक आग लगी और आग के कारण धुआं फूट गया, उससे जो तीमारदार थे, जो मरीज थे, जो अस्पताल में भर्ती थे और जो दिखाने गए थे, वो भागते हुए नजर आए और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे दहशत फैल गई है। हालांकि मौके पर तत्काल प्रभाव से पुलिस पहुंची और अस्पताल के कर्मी वहां पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। जी शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि जिस वक्त आग लगी, अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी जरूर। खबर औरैया से, जहां उस वक्त जिले में हड़कंप मच गया जब प्रधान की गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें रखे डब्बे में 500 और 200 के नकली नोट बरामद हुए। गाड़ी ब्लॉक परिसर में खड़ी थी। पुलिस को सूचना मुखबिर के द्वारा मिली थी। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर एक गत्ते का डिब्बा दिखा। जैसे ही इस गत्ते के डिब्बे को खोला और देखा तो सब हैरान रह गए। अंदर 500 के और 200 के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। पुलिस गाड़ी के पास ड्राइवर सहित एक अन्य को कोतवाली ले गई और जब कोतवाली में नोटों को देखा गया तो ये नकली निकले। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और बड़ी खबर मेरठ से, जहां सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। बदमाशों ने 10 लाख रुपए की कैश लूट लिया, 5 किलो चांदी भी लूट कर ले गए बदमाश और कारोबारी की हत्या भी कर दी। कारोबारी अमन जैन की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है, उनका जो बेखौफ अंदाज है वो लोगों को डरा रहा है, उसकी एक और बानगी मेरठ में देखने को मिल रही है, जहां बदमाशों ने 10 लाख रुपए कैश लूटकर, 5 किलो चांदी लूटकर जो सर्राफा कारोबारी है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए हैं। सवाल एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर है और खत्म हो रहे खाकी के इकबाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े का ये मामला है। आप सोचिए कि बदमाश कितने बेखौफ होंगे। सवाल ये है कि पुलिस जब लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, बदमाशों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो फिर बदमाशों में खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी वारदातों को करने से पहले बदमाशों में खाकी का डर पैदा क्यों नहीं हो रहा है? दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है और दिन दहाड़े लूट करके फरार हो गए हैं। बड़ी खबर ये मेरठ से मिल रही है, जहां व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूटकर बदमाश बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देर रात हुई डबल मर्डर हत्या के मामले में दो संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोसाइटी में हत्या से पहले गाड़ी के आसपास घूमते नजर आए हैं संदिग्ध। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस युवकों की पहचान में जुट गई है। आपको बता दें कि सोसाइटी के अंदर घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो लाल घेरे में आपको दो शख्स नजर आ रहे हैं, इनको ही संदिग्ध समझा जा रहा है और इनकी तलाश अब पुलिस ने तेज कर दी है। मामला ये है कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक सोसाइटी में घुसकर इन दोनों दो लोगों ने फायरिंग शुरू की थी ताबड़तोड़, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। देर रात ही डबल मर्डर का मामला सामने आया था। सोसाइटी के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और अब सीसीटीवी फुटेज में ये दो संदिग्ध सामने आ रहे हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।